ये हमारी पीली पनीर और ये हमारी। नमस्कार छुसारिणी, आज मैं आपको कश्मीरी वजित सामन तिब्बे लेदर सामन बताऊंगी। वजित सामन का मतलब लाल पनीर और लेदर सामन का मतलब पीला पनीर। इनके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, पनीर तेल तलने के लिए, लाल मिर्च पाउडर, सौंफ पाउडर, हल्दी पाउडर, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी पाउडर, तेज पत्ता और लौंग, ज़ीरा, हींग, नमक, सौंठ पाउडर और इलायची का पाउडर। पैन ले लेती हूँ और उसे ऑन कर देती हूँ। अब मैं इसमें तेल डालती हूँ। एक, दो। अब मैं तेल गरम होने के लिए रख देती हूँ। हमारा गरम हो गया है, अब मैं इसमें पनीर डालती हूँ। धीमी आंच, मैंने पनीर के बड़े बड़े पीसेस किए हैं, आप छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे, पर कश्मीर में इस तरह के ही पीसेस के पनीर तैयार किए जाते हैं। हमारी पनीर तल गई है, ये वाली पनीर पीली पनीर बनाने के लिए और ये लाल पनीर बनाने के लिए। पीली पनीर के लिए ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, गोल्डन गोल्डन तक होने के लिए, लाइट गोल्डन, और इसको लाल पनीर को थोड़ा सा फ्राई करते हैं। अब मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें मैं तेल डालूंगी। पहले मैं आपको पीली पनीर बनाना सिखाऊंगी। मैंने एक और आधा मैं इसमें पिंच ऑफ हींग डालती हूँ, ज़ीरा डालती हूँ, तेज पत्ता, दो लौंग, दालचीनी, इलायची। इसको थोड़ी देर अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डालती हूँ, मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालती हूँ और इसको हिला लेती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ जिससे मसाला जले नहीं। अब इसमें मैं सौंफ पाउडर भी डाल देती हूँ। दो चम्मच मैं इसको हिला लेती हूँ। मैंने इसको हिला लिया। मैं अब इसमें थोड़ा पानी डालती हूँ। मैं इसमें अब आँच थोड़ा फूल रखती हूँ, उसको थोड़ी देर तक हिलाते हैं। अब इसमें मैं पनीर डाल देती हूँ और इसे मिला लेती हूँ। पनीर डाल दिया है, अब मैं इसे 5 मिनट तेज़
फ्लेम पे और उसके बाद धीमी आंच पे पकने के लिए रख देती हूँ। दाल के बाद हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैं अब एक उबाल के बाद इसे धीमी आंच पे पकने के लिए रख देती हूँ। जब तक हमारा ये पनीर धीमी आंच पे पक रहा है तब तक मैं आपको लाल पनीर के बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने तेल डाल दिया है, इसमें भी उतना ही तेल डालना है और सेम प्रोसीजर है, बस हल्दी की जगह पे लाल मिर्च पाउडर डालनी है। इलायची, लौंग, छोटी इलायची, हींग, जीरा, अब इसमें हम धीमी आंच पे रख देते हैं। लिटिल बिट ऑफ हल्दी, लाल मिर्च पाउडर मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, सौंफ पाउडर 2 चम्मच, 2.5 चम्मच रख लें। जिंजर पाउडर, सौंठ को जिंजर पाउडर कहते हैं। पानी, तेल छोड़ दिया है, अब हम मैं इसमें पनीर डालती हूँ। अब मैं इसको हिला लेती हूँ, मिला लेती हूँ। हमारा उबाल आ गया है, मैं इसमें अब नमक डालती हूँ। नमक अपने स्वाद अनुसार। मैं अब इसे मिला लेती हूँ। इसमें मैंने पानी डाल दिया है, अब मैं इसे भी धीमी आंच पे पकने देती हूँ। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ। जब तक ये पकता है तब तक हम पीली पनीर का देखते हैं। इसमें उबाल आ गया है, ये देखिए कितना प्यारा कलर है। अभी इसको और रखना है थोड़ी देर तक। ये लाल पनीर और ये पीली पनीर रेडी है। मैं अब पीले पनीर में थोड़ा सा 1/2 कप के करीब दूध डालूंगी। हमारा लाल पनीर रेडी है, मैं अब इसे सर्विंग बाउल में सर्व करने के लिए निकालती हूँ। मैं इसमें दूध डाल देती हूँ। मैं इसमें अब इलायची पाउडर डाल देती हूँ।
और इसे ढक देती हूँ और एक उबाल लेती हूँ। पनीर रेडी हो गई है, मैं अब इसे बंद कर देती हूँ। ये हमारी लाल पनीर और ये हमारी पीली पनीर। हमारी पीली पनीर और ये लाल पनीर रेडी है। ये हमारी पीली पनीर और ये हमारी लाल पनीर।